हाय फ्रेंड, सुजीत राजेश के चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया, आज हम बात कर रहे हैं वाई टी स्टूडियो में। वाई टी स्टूडियो का एक प्रॉब्लम चल रहा है। वाई टी स्टूडियो को आप अब चाहते हो क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करना, तो क्रोम ब्राउज़र पे ओपन नहीं हो रहा है, कुछ इस टाइप का रहा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक किया, क्रोम ब्राउज़र पर हम यूट्यूब को अपना ओपन करना चाहते हैं, अपना वाई टी स्टूडियो को ओपन करना चाहते हैं, तो हम जैसे www.youtube.com लिखते हैं और सर्च कर लेते हैं। देखिए, मैंने सर्च किया, सर्च करेंगे यूट्यूब यहाँ पर हमारा खुल जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि क्रोम ब्राउजर पे ही अपने वाई टी स्टूडियो को चलाएं, वहीं पे सभी सेटिंग करें। तो ये कैसे करते हैं, जैसा कि कुछ का ओपन ही नहीं हो रहा। जैसे मैं अपना थंबनेल पे क्लिक किया, इसके बाद देख सकते हो यूट्यूब स्टूडियो, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यूट्यूब स्टूडियो क्लिक किया, देख सकते हो ये फिर मुझे वाई टी स्टूडियो पर ला के रख दिया है, मुझे क्रोम ब्राउजर पर रहने नहीं दिया। क्यों होता है, क्रोम ब्राउजर में बहुत सारे सेटिंग हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। तो हमको चाहिए कि हमको ये क्रोम ब्राउजर पर ओपन है, क्रोम ब्राउजर पर ओपन नहीं हो रहा है। क्रोम ब्राउजर पर हम ओपन कैसे करेंगे, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि क्रोम ब्राउजर पे वाई टी स्टूडियो उनका खुलता ही नहीं है। हम हर बार कोशिश करेंगे, हर बार यही लिखेगा, देख सकते हो। फिर से मैंने किया, फिर से वही लिखा, फिर से वही आ रहा है। तो देख सकते हो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इसका आज मैं पूरा तरीका बताने वाला हूँ। तो पहली बार चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं और इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले इसके लिए कोई आपकी अदर प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए अपना मोबाइल की सेटिंग में प्रॉब्लम होता है, उससे ही प्रॉब्लम चलता है। जैसे कि यहाँ पे आप जब भी मैं यहाँ ओपन करूँगा, देख सकते हो यहाँ पे वो वाई टी स्टूडियो को फिर से यहीं पर ला के खड़ा कर देगा, मुझे क्रोम ब्राउजर पर नहीं देगा। तो यहाँ पर तो ये सेटिंग आपका गड़बड़ यहाँ से नहीं है, ये सेटिंग गड़बड़ होता है आपके मोबाइल फ़ोन से, आपको मोबाइल फ़ोन में सेटिंग गड़बड़ होता है, उसलिए ये प्रॉब्लम आता है। जैसे कि यहाँ से मैं पूरा बाइक आ जाता हूँ, यहाँ पर पूरा कट कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैं यहाँ से पूरा बाइक आ गया, बाइक आने के बाद क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग को ऑन करना है। जैसे कि मैं अपने मोबाइल की सेटिंग को ऑन कर लेता हूँ, देखिए मैंने अपने मोबाइल की सेटिंग को ऑन किया। ऑन करेंगे सभी का खुद इंटरफेस सेम आता है, कि मोबाइल आपका कोई भी होगा। तो इसके बाद नीचे आपको आना, नीचे आना एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, हो सकता है आप में ऐप लिस्ट का ऑप्शन हो, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। देखिए ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, ऐप लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ऐप लिस्ट पर क्लिक करेंगे, ऐप लिस्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अब वो यहाँ पर देख सकते हो सभी आपका एप्लीकेशन आ जाए, जो जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वाई टी स्टूडियो को सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ वाई टी लिख लेता हूँ, वाई टी लिखा है, देख सकते हो वाई टी स्टूडियो आ गया, आपका वाई टी स्टूडियो आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा। इसके बाद करना क्या है, स्टोरेज है, स्टोरेज पे क्लिक करना है, यहाँ क्लियर कैचे, क्लियर कैचे यहाँ से कर देना। क्लियर कैचे करेंगे, यहाँ से हम बाइक आएंगे, बाइक आएंगे, अभी सेटिंग छोड़ के मजेगा, बहुत सारे सेटिंग भी बाकी हैं। तो यहाँ एक क्लियर आपका सेटिंग हुआ, इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आएंगे, देख सकते हो ओपन बाय डिफॉल्ट लिखा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हो कुछ नया इंटरफेस ओपन हो चुका होगा, हो सकता है ये आपका कुछ इंटरफेस आगे पीछे होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा सेम लिखा हुआ होगा, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है लेकिन लिखा हुआ सेम होना चाहिए। ओपन सपोर्टेड लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना, इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हो अलाउ ऐप ओपन सपोर्टेड लिंक है, इसके नीचे है ऑलवेज आस्क या फिर है डो नॉट अलाउ एप्स लिंक, इस पर डो नॉट अलाउ पर क्लिक करना है। देख सकते हो मैं फिर से दिखा देता हूँ, इसे मैंने दिखाया और थर्ड वाले पे क्लिक किया, इस पर सेटिंग कर दिया। इस पर सेटिंग करेंगे, यहाँ से हम बाइक आ जाएंगे, यहाँ से देख सकते हो पूरा का पूरा हम बाइक आ जाते हैं। बाइक आ गए, बाइक आने के बाद फिर से हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे और आपको दिखा देते हैं। जैसे मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, फिर से नया पेज ओपन ले लेता हूँ। जैसे फिर से मैं सर्च कर लेता हूँ www.youtube.com, इस पर मैंने क्लिक किया और सर्च पर क्लिक कर दिया। क्लिक करेंगे, फिर से नया इंटरफेस ओपन हो चुका होगा, नया पेज खुल चुका होगा, नया पेज हम खुलने देते हैं। खुलने के बाद देख सकते हो इस तरह का आ चुका है, फिर थंबनेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब वाई टी स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। मैं वाई टी स्टूडियो पे क्लिक किया, वाई टी स्टूडियो पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो इस बार वो ठीक हो चुका है। इस बार आपका देख सकते हो वाई टी स्टूडियो ना खुल के क्रोम ब्राउजर पर खुला है, देख सकते हो ये ठीक हो चुका है। अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाया हूँ, वो ठीक हो चुका है। इसके बाद मैं आपको एक बार फिर से बाइक करके दिखाता हूँ, हो सकता है आप बोलोगे ये पता नहीं चला। तो जैसा कि मैं यहाँ से बाइक आ जाता हूँ, बाइक आके फिर से दिखाता हूँ, फिर से मैं क्लिक करता हूँ और www.youtube.com करता हूँ, क्लिक करता हूँ। इसके बाद देख सकते हो फिर से वो पेज ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद फिर से हम वो थंबनेल आता है, हमको दिखाते हैं, देखिए थंबनेल आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद वाई टी स्टूडियो लिख रहा है, वाई टी स्टूडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हो फिर से वाई टी स्टूडियो क्रोम ब्राउजर पे खुला है, ना कि आपका एप्स पे खुला है। देख सकते हो ये प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। तो इस तरह इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सभी फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।